हम मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जहां पर गिलगित बल्तिस्तान का जो फ़न और सकाफ़त है उसका मुजाहरा किया जा रहा है। यहां पर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के इश्तराक से ये प्रोग्राम जो है वो पाया तकमील तक पहुंच रहा है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे, और चूँकि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ने उसको बहुत खूबसूरत बनाया है, यहाँ पर जो है अलग अलग जगहों से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अपने हैं जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से है। चूँकि जो इवेंट आज का हो रहा है इसके स्पॉन्सर जो हैं वो जीसी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, तो ये भाई जो हैं इनसे कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है, जो ये इवेंट हो रहा है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसका फॉर्मेट क्या होगा? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि चूँकि आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन सबसे पहले तो कल्चर के नाम से पहचानी जाती है, कल्चर की वजह से इसकी खूबसूरत कल्चर, लोग खूबसूरत और हर चीज़ गिलगित बल्तिस्तान का एक उसका अलग ही मायार है। तो उस कल्चर को थोड़ा सा और मज़ीद फैलाने के लिए ये इवेंट रखा गया है। और दूसरी बात, इस इवेंट का मकसद ये है कि मुख्तलिफ जगहों से, पंजाब से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, फैसलाबाद से, कराची से भी टीम्स आई हैं, तो वो सब इकट्ठे इधर बैठे और पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान की एक मतलब अच्छा इमेज आगे फॉरवर्ड करें। बहुत शुक्रिया। सूबे बलूचिस्तान की सकाफत की नुमाइंदगी करने के लिए आ रहे हैं सालार बलोच और महादेव डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुल मेहमान के ये तमाम बलोच आता गुंडान बफे रखा हुआ है मिन्नतवार। सूबे खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं मुफ्ती अली डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और मालिया दार डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्शियल फाइनेंस। हर करे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है, चूँकि आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं और ये जो आपकी पगड़ी है, ये टोपी आपकी शान है, इसके बारे में कुछ बताइएगा प्लीज़। ये तो हमारे सकाफत हैं रिवायती, तो ये हम पहनते हैं, हमारे सफ़ेद ड्रेस हो गया और सफ़ेद टोपी हो गई, ये हमारी सकाफत है माशाल्लाह। अच्छा, अगला सवाल ये है कि चूँकि वहाँ पे भी जो वहाँ के लोग हैं, हुंजा के लोग, गिलगित के बहुत एजुकेटेड हैं, तो वहाँ का और यहाँ का जो तालीम है उसमें फ़र्क क्या है जी? यहाँ पर एजुकेटेड बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ पर एजुकेटेड हैं, यहाँ पर तालीम भी अच्छी मिलती है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पर एक क्या यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। माहौल भी अच्छा है, खाने भी अच्छे हैं यहाँ के, तो यहाँ के माहौल भी। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे जो लोग आते हैं सैर व सियाहत के लिए, पाकिस्तानी भी और गैर मुल्की जो हैं, उससे वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें कैसे बेहतरी आ रही है जी? इन्वायरमेंट में? जी सर, इन्वायरमेंट में या वहाँ से यहाँ पर? वहाँ मतलब जो लोग आते हैं गोरे पाकिस्तान में आते हैं, तो उससे क्या रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ के जो लोग हैं? चूँकि वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं? इम्प्रूवमेंट्स बहुत आ रही हैं, अभी खान साहब को दौर आ रहा है तो फिर वहाँ पर भी इंशाल्लाह ग्रोथ होगी जी, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो आपको पता है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।